इसराइली आतंकियों ने पिछले 75 सालों से फलस्तीनियों की जिंदगी अजाब बना रखी है। उनके इलाकों पर कब्जा कर लिया गया और उनके घर तोड़कर उनको बेघर कर दिया गया। पूरा मुल्क इन आतंकियों ने अपने कब्जे में ले लिया। रोजाना 2-4 फलस्तीन भाइयों और बहनों की शहादत होती है। हमेशा हर 2 साल में हमला करके फलस्तीनियों को मारा जाता है। उन पर बे इंतहा जुल्म सितम किए जाते हैं। केवल 2008 से आज तक 1.5 लाख से ज्यादा मासूमों को इसराइली आतंकियों ने मारा और इसमें 30,000 बच्चे भी शामिल हैं। जब ये सब हो रहा था तो पूरी दुनिया चुपचाप थी, किसी को इसराइल का आतंक नजर नहीं आया। और जब अपने मुल्क को वापस लेने के लिए फलस्तीनियों ने इसराइल में घुसकर मारा तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई और हर किसी को ह्यूमन राइट्स नजर आने लगे।